Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ. It is again a joy for me to be with you for a few minutes before we begin our life's activities today. और आज के दिन फिर से ये मेरे लिए एक आनंद का कारण है, एक आनंद का मौका है कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ इससे पहले कि हम अपने दिन की शुरुआत को करें. I want to talk to you something about truth and freedom. और मैं आज की सुबह आपसे बात करना चाहता हूँ सच्चाई या सत्य और स्वतंत्रता के बारे में. Jesus said in the Gospel according to St. John chapter 8 verse 32. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय और 32वें वचन में यीशु ने कहा, You shall know the truth and the truth shall set you free. कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा. You know, God has determined to let you know the truth. और परमेश्वर, क्या आपको पता है, परमेश्वर ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि वो आपको सत्य को बताए. There are two things about the truth. और सत्य के बारे में दो बातें हैं. Man has been given the freedom to think. और मनुष्य को वो आजादी दी गई है सोचने के लिए. The freedom to choose for himself. चुनाव करने के लिए भी एक आजादी उसके पास है अपने लिए. This is what makes man the crown of all creation. और इसी कारण वर्ष यही बातें मनुष्य को परमेश्वर की रचना में सबसे उच्च स्थान पर पहुंचाती हैं. By the use of this ability, और इस योग्यता का प्रयोग करने के द्वारा, he has the ability to make earth like heaven or hell. उसके पास, मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है कि वो इस पृथ्वी को या तो स्वर्ग में बदल दे और या तो नर्ग में. And the second thing is, और जो दूसरी बात है, the Bible also says in Romans, और वचन या पवित्र शास्त्र रोमियों की पत्री में हमें बताता है, all have sinned and come short of the glory of God. कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से गिर गए हैं. Unfortunately, दुर्भाग्यवश, man by his knowledge, मनुष्य अपने समझ और ज्ञान के द्वारा, and abilities, और अपनी योग्यताओं के द्वारा, made this earth like hell today. उसने इस पृथ्वी को आज के दिन एक नर्ग के रूप में बना दिया है. Look around and see for yourself. और अब अपने इर्द गिर्द देखें आप और खुद के लिए जांचें और परखें. The corruption, भ्रष्टाचार, the immorality, अनैतिकता, the greed, लालच, selfishness, और स्वार्थ, hatred, और वो घृणा, and wickedness, और दुष्टता, evil, और बुराई, cruelty, और वो किसी के ऊपर ताड़ना करना, stealing and killing, चोरी करना और घात लगाना, raping, और बलात्कार करना, even small small children, और छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा है. Are victims of God forsaking humanity. और छोटे छोटे बच्चे भी इस मनुष्य, इस मानव जिसने परमेश्वर को त्याग दिया है, उसके शोषण के शिकार हैं. The earth has given as a habitation for humanity, but today humankind find it difficult to live and survive. और पृथ्वी को परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के स्थान के रूप में दिया, लेकिन आज के दिन मनुष्य तो इस पे रहना और जीने बिताने, जीवन बिताने के लिए लड़ता है और मरता है. Then there is God the creator. और उसके पश्चात हमारे पास परमेश्वर सृजनहार है. There are two truths about God. और परमेश्वर के बारे में भी दो सत्य हैं. Number one, पहली बात, God loves all men everywhere. परमेश्वर हर एक मनुष्य से हर एक जगह पर जो पाए जाते हैं प्रेम रखता है. Number two, दूसरी बात, God shall not let this world off the hook. और परमेश्वर कभी भी इस संसार को ये नहीं चाहता कि वो खो जाए. There is a judgment day coming. और लेकिन याद रखिए, एक न्याय का दिन आ रहा है. Every single person on planet earth shall appear before the judge of all. और हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो सारे न्यायाधीशों में सबसे महान न्यायाधीश के सामने जरूर न्याय के लिए प्रस्तुत होगा. Some for eternal life, और हो सकता है कुछ अनंत जीवन के लिए, and some for the final judgment and sent to hell. और कुछ
अंत के न्याय के लिए, ताकि उन्हें नर्क भेजा जा सके। Because the Bible is very clear. और इसलिए वचन या पवित्र शास्त्र बड़ा स्पष्ट है। Clearly it says all have sinned. और बड़े स्पष्ट रूप से वचन बताता है कि सब ने पाप किया। It is also spoke about the wages. और वो बात करता है मजदूरी के बारे में भी। The wages of sin is death. कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। But it is not the desire of God, the Father, that anyone should perish and die eternally. लेकिन परमेश्वर पिता की एक इच्छा नहीं है कि कोई भी किसी का भी नाश हो और वो अनंत के लिए मर जाए या खो जाए। He does not send anyone into hell. और वो किसी को नर्क नहीं भेजता। He wants all men everywhere to be saved by faith in His Son Jesus Christ. वो तो चाहता है कि हर मनुष्य हर स्थान पर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बचा लिए जाएं। And thus come to eternal life. और उसके द्वारा एक अनंत जीवन को पाएं। How? कैसे? Through faith in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा। By surrendering oneself to the lordship of Jesus. और खुद को प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में समर्पित करने के द्वारा। And worship Him. और उसकी आराधना करने के द्वारा। Serve Him. उसकी सहायता करने के द्वारा। And follow सेवा करने Him till the last breath. और अपनी अंतिम सांस तक उसके पीछे चलने के द्वारा। Praise God for the salvation he has provided through his death and resurrection. और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो उस उद्धार और मोक्ष के लिए जो उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध कराया। There are also truth concerning Jesus. और यीशु मसीह के बारे में भी दो सत्य हैं। The Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र है। Jesus is the eternal Son of God. और यीशु मसीह परमेश्वर का अनंत काल में पुत्र है। That is the first truth. और यह है वो पहली सत्य। The second truth is, और जो दूसरा सत्य है, He bore our sin on the cross. और उसने हमारे पापों को उस क्रूस पर उठाया। So the cross shows the power of sin. और इसलिए क्रूस दिखाता है पाप के सामर्थ्य को। Also the consequences of sin. और पाप के परिणाम को भी। The power of sin is such it enslaves us. और पाप का सामर्थ्य तो ऐसा है कि वो हमें दास बना लेता है। And it is our choice. और ये हमारा चुनाव है। Because that is a tremendous gift God Himself has given to us, humanity. When he created us. क्योंकि ये तो एक ऐसा महान तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें खुद दिया है जब उसने हमारी रचना करी। We are free to choose. हम आजाद हैं चुनने के लिए। But please remember. लेकिन कृपया करके याद रखें। We are not free to choose the consequences of it. हम अपने जो पाप कर या हम कार्य को करने के लिए तो हम आजाद हैं, लेकिन उन कार्यों के परिणाम जो निकलेगा उसको चुनने के लिए हम आजाद नहीं हैं। The wages of sin is death. और याद रखिए पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। And the cross also speaks two things. और क्रूस भी दो बातों को बताता है। Number one, पहली बात, God hates sin. कि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। And he punishes sin. और वो पाप को दोष लगाकर उस पर अपना न्याय उतारता है। There is no change in that. और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। Number two, दूसरा सत्य, But God loves sinners. लेकिन परमेश्वर दूसरे हाथ पर पापियों से प्रेम रखता है। And he saves them. और उन्हें बचाना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. But it is your choice and my choice to do what we want to do with Jesus. लेकिन ये आपका और मेरा चुनाव है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे। So Jesus said in John's Gospel chapter 3 verse 16. और इसलिए यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय और 16वें वचन में ये कहा। For God so loved the world that he gave his one and only begotten son that he whosoever believes in him shall not perish but have eternal life. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को पाए। God is not going to
force his will on you. और याद रखिए इसलिए परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर थोपेगा नहीं. He wants you to be saved. वो चाहता है कि आप बचा लिए जाएं. He wants you to come to Jesus. और वो चाहता है कि आप यीशु के निकट आ जाएं. And repent of all your sins. और अपने पापों के लिए आप मन फिराएं. He wants you to take him into your heart that he may live in your heart. और वो चाहता है कि आप यीशु को अपने हृदय में ले ले ताकि वो आपके हृदय में जिए. He wants you to love him, follow him, worship him and serve him. और वो चाहता है कि आप उसके पीछे चले, उसकी सेवा करें, उसकी आराधना करें. Then you will have eternal life. और तब आपके पास वो अनंत जीवन होगा. This is the choice. और ये एक चुनाव है. But he is not going to force you. और आप He is revealing to you the truth. और वो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाएगा क्योंकि वो सत्य को आपके ऊपर प्रकाशित कर रहा है. So what will you choose? तो आप क्या चुनेंगे? Freedom or slavery? या आजादी या दासवत? Your true freedom you will find in Jesus Christ. और याद रखिए अपनी सच्ची स्वतंत्रता या आजादी को आप प्रभु यीशु मसीह में पाएंगे. God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Holy Spirit of God. पर पवित्र आत्मा. It is true that each one of us has to make the choice. ये तो सत्य है कि हम में से हर एक को एक चुनाव करना है. It is our responsibility to choose Jesus Christ and follow him. और ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करके उसके पीछे चलें. But we need the Holy Spirit. लेकिन हमें तेरी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. Even after we have done it, we may continue to remain in it. For this, we need the power of the Holy Spirit. और इसके पश्चात इसको करने के बाद भी हमें तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है ताकि हम तेरी उपस्थिति में बने रहें. So we thank you, Lord. तो इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen.